स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल BMS ट्यूटोरियल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं द्रव्यगुण डिटेल प्लांट्स की सीरीज, जिसमें हम पढ़ेंगे प्लांट नंबर 4 जो है आंवले की। ठीक है, हम प्लांट तीन प्लांट डिस्कस कर चुके हैं, आज हमें फोर्थ प्लांट डिस्कस करना है। अगर आप BMS सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं या आप MD/LB तक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर हम देखें तो आंवले की का जो बॉटेनिकल नेम है वो है एम्लिका ऑफिशिनेलिस और इसकी फैमिली है यूरोफॉर्बेशी। अगर हम इसके बॉटेनिकल सिनोनिम की बात करें वो है फाइलेंटस एम्लिका। ठीक है, हम इसकी ट्रिक की बात करें तो इसकी ट्रिक है आमिका ऑफिस यूरोप में। आमिका मतलब एम्लिका, ऑफिस का मतलब ऑफिशिनेलिस और यूरोप में का मतलब यूरोफॉर्बेशी। ठीक है, अब इसके बॉटेनिकल सिनोनिम देखें तो वो है फाइलेंटस एम्लिका। अब हम इसकी बात करते हैं क्लासिकल कैटेगराइजेशन की, चरक ने इसको कौन से उसमें रखा है और शुश्रुत ने इसको कौन से गण में रखा है। ठीक है, अब इसके गण की बात करें तो चरक ने इसको रखा है ज्वारहन और कासन महाकषाय में, और शुश्रुत इसको रखा है आंवले की और परुष्कादि गण में। ठीक है, अगर हम इसके ट्रिक की बात करें तो इसकी ट्रिक है जीवनी का आप्त पुरुष है। जीवनी का मतलब ज्वर और का मतलब पीछे से जो का की साउंड आ रही है वो है कास, और आप्त का मतलब आंवले की और पुरुष का मतलब परुष्कादि गण। ठीक है, अब हम इसके सिनोनिम की बात करें, सिनोनिम आपको इसी सिक्वेंस में याद करना है, धात्रीफल, अमृतफल, श्रीफल, वृतफल, ठीक है, और जातिफल। अब जातिफल के पीछे रस है तो रस से हम याद कर लेंगे अमल। ठीक है, जातिफल, धात्रीफल, अमृतफल, अमल, श्रीफल, वृतफल। ठीक है, अभी हम इसके हैबिटेट की बात करें तो ये थ्रू आउट इंडिया पाया जाता है, आपने भी देखा होगा आंवला गाछी। ठीक है, अब हम इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये एक स्मॉल मीडियम साइज का ट्री है, जिसकी बार्क जो होती है वो ग्रे कलर की होती है और इसके फ्लावर कैसे होते हैं जो होते हैं वो ग्रीनिश येलो होते हैं, और आपने इसका फ्रूट तो देखा ही होगा वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं इसके केमिकल कंपोजिशन की। अगर हम इसके केमिकल कंपोजिशन को देखें तो इसके अंदर कौन कौन सी केमिकल्स पाए जाते हैं, एम्लिक एसिड पाया जाता है, एम्लिक आप अम्लिका से याद कर सकते हैं। ठीक है, या फिर दूसरा पाया जाता है इसमें फाइलेटाइडाइन या फाइलाइन, और तीसरा पाया जाता है टैनिन। तो आप इसको हमने इसका जो बॉटेनिकल का सिनोनिम पढ़ा था वो था फाइलेंटस, तो आपको इससे ये दोनों याद हो जाएंगे, फाइलेंटाइडाइन और फाइलेंटाइन। ठीक है, और टैनिन आप याद कर लेना। ठीक है, और इसमें विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं इसके रसपंचक की, तो रसपंचक में अगर हम इसके रस की बात करें तो इसमें अमल और लवण पाया जाता है, आपने खा के देखा होगा ये बहुत खट्टा होता है। ठीक है, थोड़ा सा नमकीन भी रस होता है इसके अंदर। अगर हम इसके गुण की बात करें तो वो लघु और रुक्ष होता है, और इसके वीर्य की बात करें तो वो ठंडा होता है। आपने कभी भी सुना होगा कि भाई ये कैसा होता है, ये ठंडा होता है, इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। अगर हम इसके विपाक की बात करें तो मधुर होता है, और ये क्या कार्य करता है, त्रिदोष को हरता है। ठीक है, त्रिदोष में ही लिया जाता है। ठीक है, अब हम इसके पार्ट की बात करें तो इसको कौन सा पार्ट यूज़ होता है, इस ट्री का हम फ्रूट यूज़ करते हैं, आंवला यूज़। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी मात्रा कैसे ली जाती है। अगर हम इसका चूर्ण देखें तो वो लिया जाता है 3 से 10 ग्राम, और इसका सवरस देखें तो वो लिया जाता है 10 से 20 ml। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई इसकी इंडिकेशन, तो ये आदमन मतलब ये जो वात विकार होता है, मतलब एक टाइप से इसे बोलते हैं कि भाई बॉवल जो मूवमेंट होती है वो अच्छे से ना होना, अफारा आ जाना पेट में। ठीक है, आम विकार का मतलब पाचन ढंग से ना होना, मेदो विकार का मतलब जो कफ से रिलेटेड होते हैं, हमारी धातु होती है मेद विकार। ठीक है, ज़्यादा मोटापन आ जाना। अब हम बात करते हैं इसकी आमिक प्रयोग की, तो पांडु और कामरा में कैसे यूज़ किया जाता है, जो आंवले की का चूर्ण है वो लो भस्म के साथ दिया जाता है, प्रेमी मतलब डायबिटीज में इसका आंवले की और हल्दी का है, और वात रक्त में आंवले की और हरिद्रा का क्वाथ लिया जाता है मधु के साथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी योग की, तो योग में अगर हम बात करें तो ये च्यवनप्राश अवले के साथ लिया जाता है, धात्री लो के साथ लिया जाता है, धात्री रसायन के साथ लिया जाता है। हमने धात्री फल पढ़ा था जो इसका सिनोनिम था, तो इससे हमें धात्री लो और धात्री रसायन याद हो जाएगा। आंवला की रसायन हमें डायरेक्ट याद हो जाएगी, क्योंकि वो आंवला की च्यवनप्राश ऑब्वियसली हमारे माइंड में रह सकता है। फिर उसके बाद धात्री जो पीछे से रसायन आया उसे हम ब्रह्मा रसायन भी याद कर सकते हैं, तो मोस्टली पेपर में 2 ही पूछे जाते हैं, तो ये आपको ईजिली याद हो गया। आज के लिए इतना ही, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।